नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवासी मोटिवेशन पर। यह कहानी है दो घोड़ों की, जो एक किसान को अपने खेत में पड़े मिलते हैं, जिसे वह घर ले जाता है और अपने पीने के पानी को सींच कर लाता है। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूर झरनों से साफ पानी ले जाता था। दोनों घोड़ों को भरकर एक डंडे में बांधकर अपने कंधों के दोनों ओर से लटका देता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा बड़ा था, लेकिन वह एकदम ठीक था, जिस कारण से किसान के घर पहुंचने तक टूटे हुए घड़े का पानी आधा हो जाता था। और जो घड़ा सही था, उसे इस बात का घमंड था कि पूरा का पूरा पानी घर पहुंच जाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर जो घड़ा फूटा हुआ था, वो बहुत ही उदास हो जाता है और यह सोचकर कि रोज आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फूटा हुआ घड़ा इस चिंता में रहने लगता है और रोज ये सोचने लगता है कि किसान की वजह से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन उसे किसान से कह दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। किसान बोला कि आखिर तुम किस बात से शर्मिंदा हो? तब घड़ा कहता है, शायद आपको नहीं मालूम, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है, जिस कारण से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और वो बहुत उदास हो जाता है, वह बोलकर रोने लगता है। तब किसान ने ये बातें सुनी तो वह भी घड़े के लिए दुखी हो गया और उसे समझा कर बोला कि कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम अपने पर ध्यान न देकर रास्ते में लगे फूलों को देखना। घड़े ने भी ठीक वैसा ही किया, वो पूरे रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसका मन थोड़ा हल्का हुआ और उसकी उदासी थोड़ी कम हुई, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वो फिर से उदास हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। तब किसान बोला, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में लगे जितने भी फूल थे बस सिर्फ तुम्हारी तरफ थे और जो घड़ा सही था, सलामत था, उसकी तरफ कोई फूल नहीं थे? तब घड़ा पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ? फिर किसान बोला, ऐसा इसलिए हुआ कि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और इस कमी का फायदा उठाने का सोचा। जो तुम्हारी तरफ रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और रोज तुम उसमें थोड़ा पानी डालकर उन्हें सींचते रहे और सारे रास्ते को सुंदर बना दिया, और तुम्हारे कारण ही इन फूलों को मैं भगवान को चढ़ाता हूँ और अपने घर में भी इनको सजाता हूँ। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे एक तरफ छेद नहीं होता तो क्या हम सब ये कर सकते थे? इसलिए तुम जैसे भी हो उसे स्वीकार करो। ये सुनकर घड़ा बहुत खुश हो जाता है और अपनी कमी को कमी ना समझकर अपनी ताकत मान लेता है, क्योंकि उसकी वजह से मिट्टी का रास्ता फूलों में परिवर्तित हो गया था। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने अंदर की कमियों को समझकर अपनी ताकत कैसे बनाना चाहिए, इस बात पर जोर देना चाहिए, जिससे हम अपनी कमी को स्वीकार कर अपने ना समझ को अपनी ताकत समझेंगे। उसी दिन हम जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर छुपी हुई कमियों को निकाल कर ताकत के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी हर आने वाली परेशानियों का समाधान हो सके।